अरे वाह, ये कोट देखो लोगे, ये देखो, ये है फिश और कुछ फ्राइड राइस। क्या बोल रहे हैं मिंटू भी, आपको कैसा लगा पार्टी? मेरी तरह से था बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाली फैमिली ब्लॉग्स। तो आज हम लोग आए हैं बहुत टाइम बाद मॉल अम्मी के साथ, और अम्मी काफ़ी टाइम बाद आई हैं। दिवाली के टाइम पे हम लोग वहाँ चले गए थे, यूपी, उसके बाद हम लोग दुबई चले गए थे, और अभी हम लोग आए हैं फर्स्ट टाइम, मतलब बड़े दिन बाद आए हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है अभी। तो पहली बार आके बहुत अच्छा लग रहा, पहली बार कि बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद अच्छा लग रहा है। घर में तो बंद बंद जैसे लग रहा था कि फांसी नहीं मिल रहा। स्वीटी देखो, तो स्वीटी क्यों नहीं देख रही है, पता नहीं क्यों आज, पता नहीं क्यों नहीं वीडियो में आ ही नहीं रही है मेरे। तो स्वीटी चली गई है ऊपर, जमीन फोन कर रही, बुला रही है। चलो फिर चलते हैं, बाहर आते ही भूख लग जाती है। यस, क्योंकि हम लोग घर से कुछ खा कर नहीं आए। क्यों नहीं खा के आए, तुरंत भूख लग जाती है यहाँ आते ही। अब स्पेशली अम्मी के लिए लाए। अच्छा, अम्मी खाने के लिए आई है। तो यहाँ पे आ गया खाना। हम लोगों ने ना इसको दो बार लास्ट टाइम जो है खाया था, तो हम लोगों को सोचा कि चलो अम्मी को भी टेस्ट करवाते हैं कैसा। हमें तो बहुत पसंद आया था। ये न्यू है कुछ, केफर कुलचा, केस का से कुलचा यहाँ का नाम है। अब क्या लेकर आई हो? ये तो बोलेगी नहीं क्या सबने। ये है मटन, मटन का कबाब है, नहीं चिकन सीख कबाब। तो गाइस, मैं अपना कबाब लेकर आ गई हूँ जो कि बहुत टेस्टी है। माय गॉड, ये है एक गली से आपके दिल तक, मतलब ये खान चाचा। खान चाचा जो है हमारे, वो चाचा ने ये भेजा है बनाकर सीख कबाब। ठीक, कैसा लग रहा है? गाइस बहुत टेस्टी है। गाइस नहीं पूछ, गाइस को बता रही है। बोलो तो, कर रही हो तुम हमसे तो पूछ, बताओ। मत बोलो, मैं दिखाऊँ। पता नहीं क्या हुआ है इसको, कुछ छोड़ो, खाओ टेस्ट करो। अब कहाँ जा रही हो? सुन नहीं रही। शॉपिंग। तानिया ये ड्रेस पाई थी। सही है। हाँ, जो हम लोग दोनों के साथ फोटो है ना, तानिया की ये ड्रेस थी और मेरी भी एक ड्रेस थी, देखना अभी हो गई। अरे वाह, ये कोट देखो लोगे। हाँ ले लो। मैं तो थक कर बैठ गई हूँ, अब देखते हैं ये लोग कितने दिन में शॉपिंग करती है। तानी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं? तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि पापा का बर्थडे आने वाला है, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ कि कल है पापा का बर्थडे, इसके लिए हम लोग स्पेशली शॉपिंग के लिए आए थे। और आए तो थे हम लोग पापा की शॉपिंग करने, लेकिन अब पापा की शॉपिंग शुरू करेंगे। उससे पहले जो है मैंने अपने लिए ले लिया है, और हम दोनों ने ले लिया अपने लिए, हम दोनों ने। तो चलो अब देखते हैं क्या लेना है पापा के लिए, गिफ्ट लेना है। वैसे तो हमने आधे थोड़े गिफ्ट तो ले रखे हैं हम लोगों ने, क्योंकि दुबई से हम लोग पापा के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। और अभी हम लोगों को पता नहीं है कि उनका बर्थडे भी हो रहा है। पापा को कुछ पता नहीं है। पापा वैसे अपने बर्थडे के लिए मतलब ऐसे याद भी नहीं रहता पापा को, लेकिन हम लोग याद दिलाते हैं तो याद आ जाता है। और फिर भी पापा मतलब अगर याद आ जाता तो फिर एक्साइटेड हो जाते हैं अपने बर्थडे के लिए। अच्छा हाँ, बर्थडे मेरा बर्थडे, फिर दो तीन बार बोलते हैं कि अच्छा हाँ बर्थडे बर्थडे। तो चलो हम लोग दूसरे मॉल जा रहे हैं, क्योंकि पापा को जो पसंद आता है वो है दूसरे मॉल में, और ये DLF में जो है ज़्यादातर वैसे नहीं आता पसंद, लेकिन देखते हैं। पापा की कॉल आ रही है, बहुत मुश्किल है। हम लोग सरप्राइज ख़त्म कर दिए पापा, पता चल गया, पूरा मूड खराब हो गया। कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पता चला है। हाँ हाँ, बस पता है कि बाहर आए और हम लोग शॉपिंग करें। हाँ, कितना अच्छा फूल सब लग रहा है यहाँ पर। ये अब लगाया ना बाजार है। ये कहाँ लेकर आ गई हमको? ये DLF का, ये बाहर का मेला है। हाँ, पहली बार आए इधर। अच्छा, DLF मॉल के पूरे टाइम सामान गाइस बहुत महंगा मिलता है वहाँ। अच्छा, स्वेटर भी देख सकते हैं, बल्ला हबीबी परफ्यूम्स है यहाँ पर, लेकिन हबीबी हम तो अपने लिए लेकर आए हैं दुबई से। हर जगह से शॉल्स हो गया, जैसे क्राफ्ट की पाई, बहुत अच्छा कुछ नया देखने को मिल रहा है मुझे, सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा कितना अच्छा, ये कैसे बन रहा है? गरम नीचे रखते हैं कोयला, नीचे कैंडल बम किया हुआ रखते हैं। ये चारपाई है, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये पायदान। पता नहीं कितने का होगा, भैया भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे शॉपिंग हो गया कंप्लीट, चलते हैं घर। घर नहीं जाना अभी, थोड़ा देर वेट करना है। काशिफ भी शादी में शायद गया हुआ है, तो वहाँ से आएगा।
फिर अनु को भी घर लेके चलना है, तो अनु के लिए भी वेट कर रहे हैं हम लोग कि उसकी ऑफिस की छुट्टी होगी अभी। अब यहाँ जुलूली लिया जा रहा है, अब ये अपना खा रही है। इसमें भी अच्छा अच्छा है, पसंद आया तुमको? हाँ। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks. अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अभी ये लोग तैयार हो रही है स्वीटी कप। Yes. अपना अपना दिखाओ। Guys अभी आपने लटे कर्ल कर रही हूँ। लगेगा ही। समलीन का भी टच चल रहा है। Guys ये है अम्मी का पूरा मस्त लुक। ये है फ्रॉक दुपट्टा। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना आपको। आज का आउटफिट तो आपका बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। अंकल को तो ये बिस्किट। हां अंकल हैप्पी बर्थडे टू मी। हां थैंक यू वेरी मच। जबरदस्ती बुलवाना पड़ा मुझे। आंटी मेरा दिमाग में अलग ही बातें चल रही हैं अभी। अच्छा स्कूल। हां स्वीटी भी तैयार है, अब निकले हैं। डिनर के लिए और देखते हैं यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है। आज गलत डे है ना, संडे है आज, तो भीड़ बहुत हो रही है। जवाब ने अरेंजमेंट करेंगी। जवाब मैंने करी थी 9:30 की, पर ये थोड़ी नहीं रहे ज़्यादा ही खाने वाले, और ना यहाँ पे कोई मैनेजर है दिमाग खराब। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और ये सारे बच्चे भूखे हैं। यहाँ पे इन सब ने जिद किया था कि यहाँ आना है, तो फिर हम लोग लेकर आ गए सबको। सबसे ज़्यादा ज्ञान ने जिद की थी कि मुझे खाना है बारबेक्यू नेशन में, और फिर इसने भी सबसे ज़्यादा जिद किया था अन्नू ने, और फिर अम्मी और पापा ने भी किया था और इन लोगों ने भी। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिद कि मुझे आना है। और अभी मुझे खाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्या क्या खाने को मिलेगा पता नहीं। अभी तक तो लेकर भी नहीं आया कोई। गाइस तो अभी हम लोग, मैं आपको यहाँ पे का थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि यहाँ पे खाने को क्या क्या मिल रहा है। हमें थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो गाइस चलो अभी हम दिखाते हैं आपको कि खाने में क्या क्या है। जमाद है मेरे साथ, आए बोलो। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। भी सारा दिखा रही है, सारा सब आपकी खाने वाली है। ये देखो ये है फिश और कुछ पानी आने लगा फ्राइड राइस। अरे नहीं मुझे नहीं आ रहा। ये भी है कुछ एग करी होम स्टाइल में। ये चिकन क्या है? चिकन बटर चिकन मसाला है। ये देखो चिकन दम बिरयानी। चिकन दम बिरयानी है जो कि जवाब ने भी ट्राई की थी। जवाब कैसी लगी? वेरी अच्छी। चम्मीज भरी। ओके सूप है यहाँ पे हमारा, सूप जिसे हमें पीना नहीं था। और ये सैलड है कुछ कुकुम्बर और ग्रीन सैलड और ये सब कुछ है। और ये टमाटर धनिया का शोरबा जो पता नहीं क्या है, वेज दम बिरयानी है। स्टीम राइस। और ये है एंड ये राइस है और आलू है। दाल मखनी है। खाया था इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। पनीर बटर मसाला। यहाँ पे हमें सब लोग देख रहे हैं। अब मैं मतलब ऑलमोस्ट यही सब कुछ था। और अगर मैं मीठे में दिखाऊं तो आपको मीठे में भी बहुत कुछ है। डेजर्ट्स में हमारे पास है ये खीर, हलवा बहुत टेस्टी का हलवा ले लो जवाब। और ये तो हमने भर भर के खा लिया, मैंने नहीं खाया लेकिन अभी तक भी। और ये केक हो गया, ये भी केक। कैसा लग रहा है खाना? अच्छा है, क्योंकि मैंने बनाया गाइस इसलिए इनको अच्छा लग रहा है। और यहाँ का सारा मेन्यू मैंने डिसाइड किया था। सही है, सोच सकते हैं। चलो वाओ कितना टेस्टी लग रहा है ये। वाओ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का क्या ऑर्डर है मैम?
आपके लिए कुछ नहीं डन गाइस कितना खाया मीठा नहीं खाती बहुत हेल्थ कॉन्शियस है मजा आ गया जोर से मजा आ गया तो आएगा इतना ठीक से वो बैठ गए गाइस ये लोग खा रहे हैं बताइए जरा बेशरम लोग गाइस ये लोग मोए मोए बजवाने गए थे अभी कि मोए मोए बजाना है और अभी चेंज कर दिया कैसा लगा आज का बर्थडे पार्टी अंकल का आंटी आज तो पूरा पेट वेट भर के बोले एकदम ऐसा लगे एक दो महीने का खाना भी खा लिया मजा आया या नहीं बहुत ज्यादा ऐसा लगे बिल्कुल फ्री की दावत चल रही है और धपा डप 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 धपा धप जल्दी 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 सब खिला रहा कितना खिला रहा था वही अब यहाँ तो फोटो खींच खींच कर सब पागल हो रहे हैं यहाँ रील बन रही है गाइज हम लोग इतना खाली हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा टहल रहे हैं ताकि हमारा खाना पच जाए और हम घर जाके इंजॉय कर सके और हमने सोचा कि आज हम घर जाके मूवी देखेंगे लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है गाइज ये देखो फिल्टर मिक्स मैन परफेक्ट समझ सकते हो आप गाइज और ये है मिस आकांक्षा सिंह ये है मिस्टर मिंटू सिंह नहीं मिंटू शेख और कौन है गाइज सबको दिखाऊंगी गाइस पूरी दुनिया को दिखाऊंगी आपको बोल मिंटू भाई आपको कैसा लगा पार्टी मेरी तरह से था बहुत अच्छा था और सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगा वो क्या बोलते हैं नहीं खाना नहीं वो छोटी छोटी गुलाब जामुन काला जामुन तो आपने जो चुरा के रखा है उसका क्या वो घर पे खाऊंगा नहीं वाह ये हैं इनकी बहन के बेटे और ये सब मौसी ने सिखाया था कि बेटा वहाँ से लेकर आना रसगुल्ले बेटी पिछली बार चुराई थी इस बार नहीं चुराई इस बार नहीं चुरा पाई इस बार मौसी ने बेटे को सिखा दिया इस बार समरिन पन्नी लेके नहीं आई थी पिछली बार मोनी बाजी थी वो झोला यार को पकड़ के लाए इस बार तुम कान हाँ इस बार इनको पकड़ के हम लाए कि भैया चलो इस बार आप रसगुल्ले लेकर आना रात को हम लोग पार्टी करेंगे ठीक है जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो दोनों गेट के पास तुम लोग लड़ाई भी किया मक्कू घूमने गया था सर सोया हुआ था इसे छोड़ कर घूमने गया था मिमसी जो भागी एक तारीख के लगा दे